क्या दर्शाया गया है चित्र में, इसमें लिख लिए हैं कि लगने वाला जो वर्ग है, लगने वाला ए, आवेशों के गुणनफल के अनुपमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्तिमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम किसी फॉर्मेट को अब एन एच फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या लिखा है, लगने वाला बल, पहले लिखे बल, बल लिख दिया हमने, उसके बाद क्या आ गया आपका आवेश का गुणनफल। केवल आपको यहाँ पे ध्यान देना है लिखा क्या है, यहाँ से हमने लगने वाला बल, बल लिख दिया हमने, आवेशों का गुणनफल के अनुपमानुपाती, चित्र लगा रहे हैं अनुपमानुपाती का, आवेशों का गुणनफल कर रहे हैं हमने Q1 मल्टीप्लाई Q2। अब आगे क्या लिखा है हमने, तथा उनके बीच की दूरी के बल, बीच की दूरी का वर्ग आर होती है, बीच की दूरी उनका वर्ग कर दिया अनुपमानुपाती में। उसके बाद ऊपर कर देता हूं मैं, जैसा कि ए, जब हम ये अनुपमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो या तो हम उसको कॉन्स्टेंट वैल्यू देते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू वैल्यू किस हिसाब से दी जाएगी, या तो उसे साइंटिस्ट का नाम देना है या फिर उसको कॉन्स्टेंट वैल्यू देनी है, यानी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए उसको। ठीक है, ये कहीं भी किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिखाई देता है तो उसकी दो कंडीशन होती है, या तो उसे फिक्स वैल्यू दे दी जाए या फिर इसे साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाए। ठीक है, इक्वल लगा देंगे यहाँ पे 1/4π/Q1/Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कूलम का नियम आ गया निकल गया। अब देखो बहुत से क्या होते हैं कि इसी जगह पर हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, एक बराबर जब अंकों का चिन्ह हटाते हैं तो के आता है, क्या आता है के। इस के का महत्व क्या होता है, ये आपके दो कंडीशन में बताता है, एक तो निर्वातन और एक अनिर्वातन। ठीक है, ये केवल इसी फॉर्मूले को दर्शाता है। ये चैप्टर का थोड़ा सा सारा जो मैंने बताया है इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, इससे आगे की जो टॉपिक है मैं अगले वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।